वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार अभियान के बीच सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी की ओर से ऑफर मिलने के बाद से लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि चुनाव बाद वे भगवा दल के साथ जा सकते हैं। जयंत ने पहले कहा था, मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। वहीं अब आरएलडी प्रमुख ने कहा है कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है। जयंत का ये कहते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा, आज ये लोग मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझे इससे क्या मिल जाएगा। वो इनका कोई प्यार और लगाव नहीं है, मुझे नहीं बनना हेमा मालिनी। उन्होंने कहा, जनता के लिए क्या करोगे आप, 700 किसान परिवारों के लिए क्या किया आपने, टेनी को क्यों मंत्री बने हैं अभी तक। जयंत चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि रोज सुबह उठकर नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है इन्हें। आज उनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे, उस 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया आपने। टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान को लेकर एक बार फिर आरएलडी प्रमुख ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गर्मी तो हमारी भाषा है और गर्मी तो हम हैं ही, हम जाट तो पैदा ही गर्म हुए थे, हमारा क्या इलाज कर लोगे। मुझे तो लगता है योगी जी को सर्दी लग गई है, कंबल ओढ़कर गोरखपुर चले जाओ आप। जयंत चौधरी ने लोगों से कहा कि हम होशियार रहना होगा क्योंकि सरकार भी हमारे खिलाफ है और तंत्र भी खिलाफ है। रोजाना ऐसी बयानबाजी के बीच चुनावी मौसम की गर्मी और बढ़ती जा रही है। अब देखने वाला बात यह होगी कि 10 मार्च को सूबे की जनता किसे सत्ता की चाबी थमाती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।